नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक क्रैकर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज ऑडियो मैनेजर के बारे में, विंडोज ऑडियो ड्राइवर के बारे में, या फिर यूँ कहें कि रियल टेक ऑडियो मैनेजर या फिर रियल टेक ऑडियो ड्राइवर के बारे में। तो आज हम रियल टेक ऑडियो मैनेजर के, रियल टेक ऑडियो ड्राइवर के हर एक एरर का सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर से प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको मोस्टली कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन से एरर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मोस्टली जो एरर देखने को मिलता है वो ये होता है कि हमारे कंट्रोल पैनल में हमारा रियल टेक ऑडियो मैनेजर शो नहीं करता है, जिसकी वजह से हम उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं और हम अपने हेडफोन को, अपने माइक्रोफोन को यूज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने रियल टेक ऑडियो ड्राइवर डाउनलोड करके सेटअप कर रखा है या नहीं कर रखा है। ये देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर मैंने सक्सेसफुली इसे इंस्टॉल सेटअप कर रखा है। फिर भी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कहीं भी शो नहीं कर रहा है रियल टेक ऑडियो मैनेजर को। तो मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये हमने सर्च किया पर हमारा नहीं आ रहा है। तो ये मोस्टली प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। और सेकंड जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो बहुत कम मिलती है, लेकिन हमें मिलती है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो हमें सेटअप के दौरान देखने को मिलती है, जब हम रियल टेक ऑडियो ड्राइवर को डाउनलोड करके सेटअप करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे हमको मिलती है कि हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल ही नहीं होता है। डाउनलोड हम कर लेते हैं पर इंस्टॉल ही नहीं होता है। तो आज हम इन्हीं सभी सॉल्यूशन को लेकर आए हैं, इनके रिगार्डिंग, इन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, अगर आप स्किप करके देखते हैं वीडियो को आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा, और अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो 100% आपको आज सॉल्यूशन मिलने वाला है इस प्रॉब्लम का, विंडोज ऑडियो मैनेजर के प्रॉब्लम का, विंडोज ऑडियो ड्राइवर के प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है। कंट्रोल पैनल के में जाने के बाद आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको चले जाना है। चले जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना जो पहले से इंस्टॉल्ड है, पर इंस्टॉल्ड जो आपने पहले इंस्टॉल किया था, उस रियल टेक और हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो अनइंस्टॉल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अनइंस्टॉल आपका होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो सकती है, पर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी एरर है आपका, उसका 100% सॉल्यूशन आपको आज मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारे अनइंस्टॉलिंग जो है शुरू हो गई है। तो हम अभी वेट कर लेते हैं इसका। आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। इसके बाद आपको यहां पर फिनिश पर क्लिक कर देना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपके जितनी भी फाइल्स, जितने भी आपके एप्लीकेशंस कंप्यूटर में रन हो रही हैं, उनको सभी को क्लोज कर देना है, क्योंकि फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपका जो है पीसी एक बार रिस्टार्ट होगा। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपको ऐसे ही क्लोज कर देना है सभी एप्लीकेशंस को। ये देख सकते हैं जैसे मैंने क्लोज कर दी है। आपको सेटअप को, अनइंस्टॉल विजार्ड को, इस ये जो व्यू देखने को मिल रहा है आपको, इसको क्लोज नहीं करना है, बाकी सबको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका पीसी एक बार रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होके जैसे ही आपका पीसी ओपन होता है, तो ओपन होते ही साथ आपको
को मैं दिखा देता हूँ कि आपकी जो रियलटेक ऑडियो ड्राइवर है वो अनइंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है रियलटेक ऑडियो ड्राइवर। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपकी परी इंस्टॉल्ड जो आपने पहले इंस्टॉल की थी वो आपकी डिलीट हो चुकी है। तो आपको अभी मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक जो है पिंड मिल जाएगा, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं उस लिंक पर, तो वो जो लिंक है वो आपको क्रोम ब्राउजर में रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट जैसे ही आपको लिंक करता है, वैसे ही आपको ऐसा कुछ, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसा कुछ व्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फाइल का लिंक है और ये मेरी खुद की एक सिक्योर 100% सिक्योर फाइल है। तो आपको आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे चैनल का जो है नाम आपको देखने को मिल जाता है, टैग क्रैकर विंडोज ऑडियो ड्राइवर जो जिप के नाम से फाइल है। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है एक नया टैब ओपन होगा, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, फिर से फिर भी डाउनलोड करें या फिर डाउनलोड एनीवे, अगर आपने इंग्लिश में कर रखा है। तो अभी मेरा लैंग्वेज जो है हिंदी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है। कॉमनली जो हमें फाइल देखने को मिलती है वो लगभग 600 MB के राउंड होती है, पर ये जो फाइल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये ओनली 362 MB की फाइल है। आपको ज़्यादा आपका डाटा भी जो है खर्च नहीं होने वाला है, और अगर आपका आपकी नेटवर्क स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर अगर आपकी नेटवर्क स्पीड फास्ट है तो जल्दी ये फाइल डाउनलोड आपकी हो जाएगी। तो अभी लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये फाइल डाउनलोडेड, तो देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली से यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपने दिस पीसी के अंदर चले जाना है। दिस पीसी के अंदर जाने के बाद आपको डाउनलोड्स वाला सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर आपकी फाइल मिल जाएगी। या फिर आपने जहाँ भी आपका सेट कर रखा है डाउनलोड का क्रोम ब्राउजर में, वहां पर आपको आपकी फाइल मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल पर आपको माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिल जाता है एक्सट्रैक्ट ऑल का, या अगर आपके पास विन आर ए आर है तो आप उससे कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपली करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, और आपको इस एक्सट्रैक्ट फाइल के होने का वेट करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये फाइल 100% सिक्योर है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और ये फाइल मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, तो ऐसी कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है इस फाइल के अंदर। ये फाइल बिल्कुल सिक्योर है और आप देख सकते हैं लगभग कंप्लीट हो जाएगी, हाफ हो चुकी है हमारी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको आज 100% इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और स्किप करके अगर आप देखते हैं तो आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, तो इसको इसलिए आपको स्किप नहीं करना है। तो देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो एक्सट्रैक्ट जो फाइल है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको इसका सेटअप देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं सेटअप डॉट exe के नाम से ये एप्लीकेशन है, तो इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है, क्लिक करके, या फिर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं इसको। आपको इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपको यहाँ पर परमिशन मांगता है, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो
फाइल है रियलटेक ऑडियो ड्राइवर जो है वो सेटअप के लिए रेडी है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल्स हैं वो आपके पीसी के अंदर एक्सट्रैक्ट होंगी, तो इन्हें आपको एक्सट्रैक्ट होने देना है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं। और ये जो फाइल है वो विंडोज 7 से लेके 11 तक हर एक विंडोज में काम करने वाली है, तो आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी इंस्टॉलिंग में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर आपको वेट करना है। अगर आपकी इंस्टॉलिंग एक जगह पर रुक गई है तो आपको क्या करना है, किसी भी एप्लीकेशन को आपको एक बार ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है दोस्तों, पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना। ये देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अभी आपको क्या करना है, फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपका पीसी रिस्टार्ट होगा, तो आपको उससे पहले आपके पीसी में जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं उनको आपको क्लोज कर देना है, ताकि आपको कोई भी एरर ना आए अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप जैसे कि मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं मैंने अपनी सभी एप्लीकेशंस को क्लोज कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपका पीसी रिस्टार्ट होने के बाद जैसे ही ओपन होता है तो आपको एक लास्ट स्टेप और करना है। और अभी तक मैं बता दूं हमने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। पहले स्टेप में हमने आपके जो पीसी में पहले से इंस्टॉल्ड ड्राइवर थी उसे अनइंस्टॉल किया था। दूसरे स्टेप में हमने जो मैंने आपको फाइल बताई है जिसका कि आपको कमेंट सेक्शन में लिंक पिन मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करके सेटअप और उसका कंप्लीट करके रिस्टार्ट करना है पीसी को। अब आपको थर्ड स्टेप करना है। इस थर्ड स्टेप के बाद आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं दिखा देता हूं कि हमारी जो रियलटेक ऑडियो ड्राइवर डाउनलोड हुई है या नहीं हुई है। तो प्रोग्राम एंड फीचर्स में मैं जाकर आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, सॉरी डाउनलोड हो चुकी है और पीसी के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कहीं पर भी नहीं आ रहा है रियलटेक ऑडियो मैनेजर। तो आपको लास्ट स्टेप और कंप्लीट करना है, आपको चले जाना है दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी के अंदर जाने के बाद आपको चले जाना है सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद जिसमें आपकी विंडोज होती है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स 86 यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है और इसके ऊपर आपको प्रोग्राम फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोग्राम फाइल्स दो हैं, तो एक के बाद 86 लिखा हुआ है और एक के बाद फाइल्स लिखा हुआ है, तो आपको फाइल्स वाले पे क्लिक करना है, ओनली फाइल्स वाले पे। उसके बाद आपको यहाँ पर
रियल टैग देखने को मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में से यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है, उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें से आपको नीचे वाले पे क्लिक कर देना है जिसका नाम है RAVCPL64.exe। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं, आपका रियल टेक HD ऑडियो मैनेजर जो आपको चाहिए, जिसके लिए हमने ये सारी प्रोसेस की है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, अभी आपका लास्ट स्टेप जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर एक फोल्डर जैसा आइकन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये अनटिक मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और टिक कर देना है इसको, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, आपका जो है यहाँ पर स्पीकर्स भी दिखा देता है और यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोफोन भी दिखा देता है। उसके बाद आपको माइक्रोफोन को जैसे ही आप सेटअप अपने हिसाब से करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको जैसे ही आप सेटअप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। बाकी मेरे सजेशन के हिसाब से आप यहाँ से इस यहाँ पर माइक्रोफोन बूस्ट पर जाकर इसको 20 dB पर या फिर 30 पर भी सेट कर सकते हैं, 30 पर दो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको आपका जो मैनेजर है, ऑडियो मैनेजर, वो कंट्रोल पैनल में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रियलटेक HD ऑडियो मैनेजर यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसे जाकर सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आप करना चाहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कोई भी आपका एरर हो, वो 100% सॉल्यूशन आप उसका हो जाएगा। आपको यही प्रोसेस, तीनों प्रोसेस कंप्लीट फॉलो करनी है। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।